हेलो डियर स्टूडेंट्स, सीखने सिखाने के सेशन में आप सबका स्वागत है। इस सेशन में हम फिगर ऑफ स्पीच के एक नए हिस्से को पढ़ेंगे जिसका नाम है रिपीटेशन। तो चीज़ों को ध्यान से सुनिए, समझिए और पढ़ाई का मजा लीजिए। इसको समझने से पहले थोड़ा इधर उधर की बातें कर लेते हैं। 2011-12 के आसपास एक मूवी आई हुई थी जिसका नाम है द डर्टी पिक्चर। उस पिक्चर के गीत, उस पिक्चर के डायलॉग काफ़ी लोकप्रियता हासिल किए हुए थे। उस पिक्चर के जो एक्टर थे वो थे नसरुद्दीन शाह, विद्या बालन, इमरान हाशमी और तुषार कपूर। उस पिक्चर का एक दृश्य है जिसमें इमरान हाशमी विद्या बालन के पास आकर उसको डराने धमकाने की कोशिश करते हैं और उस दौरान विद्या बालन से ये बोलते हैं कि मैं ये साबित कर दूंगा कि फिल्में तुम जैसे लोगों की वजह से नहीं चलती हैं। तो विद्या बालन को रिप्लाई करती है और क्या बोलती हैं, बस विद्या बालन के डायलॉग को ध्यान से सुन लेना है कि फिल्में सिर्फ तीन चीज़ों की वजह से चलती हैं, एंटरटेनमेंट और मैं एंटरटेनमेंट हूँ। आँख मार के बोलती है कि मैं एंटरटेनमेंट हूँ, यानी कि उसने अपने डायलॉग में चार बार एंटरटेनमेंट को रिपीट किया। फिल्में सिर्फ तीन चीज़ों की वजह से चलती है, एंटरटेनमेंट और मैं एंटरटेनमेंट हूँ। यानी कि जब एंटरटेनमेंट को रिपीट किया गया तो उसके माध्यम से हम रिपीटेशन को समझ लें। वही चीज़ है रिपीटेशन, कि जब हम किसी पंक्ति में अथवा किसी सेंटेंस में मुख्य शब्दों को कई बार रिपीट करते हैं तो वो एग्जांपल कहलाता है अपने आप में रिपीटेशन का। एक बार डेफिनेशन को देख लेते हैं, फिर तरह तरह के एग्जांपल को देखेंगे और उनके चीज़ों उससे हम चीज़ों को रिलेट कर लेंगे। रिपीटेशन क्या है, कि ये अपने आप में फिगर ऑफ स्पीच है। इस फिगर ऑफ स्पीच में इन विच द प्रिंसिपल वर्ड इज रिपीटेड मेनी टाइम्स, इस प्रिंसिपल शब्द को, मुख्य शब्द को कई बार रिपीट किया जाता है, मेनी टाइम्स रिपीट किया जाता है। क्यों रिपीट किया जाता है भाई, फॉर एक्सप्रेसिंग इंटेंस फीलिंग, ताकि हम अपने इंटेंस फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकें, अपने दिल के आग को, अपने दिल के भरास को बाहर निकाल सके। यही मतलब समझिएगा कि हम अपने अंदर के तीव्र इच्छा को या तीव्र भावना को व्यक्त करने के लिए, जब हम अपने अंदर के तीव्र भावना को एक्सप्रेस करने के लिए, व्यक्त करने के लिए किसी सेंटेंस में, किसी पंक्ति में जब हम प्रिंसिपल वर्ड को कई बार रिपीट करते हैं तो वो कहलाता है अपने आप में रिपीटेशन। एक और डायलॉग है जो काफ़ी लोकप्रियता हासिल किया हुआ है और जब भी मिमिक्री करने वाले आर्टिस्ट आते हैं तो इस डायलॉग का यूज़ जरूर करते हैं। पिक्चर का नाम है दामिनी, सीन है कोर्ट के अंदर का। कुछ इस तरह का सीन है कि अमरीश पुरी के रिक्वेस्ट करने के पश्चात जज सुनवाई के लिए एक तारीख देने वाले होते हैं। उसी बीच सनी देओल, चूंकि अपने आप में वो एक एडवोकेट होते हैं पिक्चर के अंदर, खड़ा होते हैं और बोलते हैं तारीख पर तारीख मिलती रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिला है मिलॉर्ड, मिली है तो सिर्फ ये तारीख। देखिए तारीख कई बार तारीख को रिपीट कर दिए हैं। तो ये एग्जांपल अपने आप में रिपीटेशन का हुआ। जिस डर्टी पिक्चर की मैंने बात की थी, सिनेमा का ही नाम है द डर्टी पिक्चर, उस पिक्चर का एक गाना भी लोकप्रियता हासिल किया था, आपको याद भी होगा, उलाला 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 तू है मेरी फैंटेसी। इस गाने में कई बार उलाला उलाला को रिपीट किया गया है, यानी कि सॉन्ग का वो पंक्ति जिसमें उलाला बोला जा रहा है वो अपने आप में रिपीटेशन का एग्जाम्पल हो गया। एक और एग्जांपल ले लीजिए, पंजाबी सॉन्ग है जिसमें सिंगर बोल रहा है बेवफा 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 निकली है तू, नी झूठा प्यार की झूठा प्यार करती है तू। ठीक है, तो झूठा प्यार किता है तू किता है कर गया है, तो बेवफा 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 को रिपीट किया गया है। तो ये अपने आप में सॉन्ग की जो लाइन्स थी अपने आप में रिपीटेशन का एग्जाम्पल हुई। देखिए, जब दिल ना लगे दिलदार तो हमारी गली आ जाना, यहाँ गली का मतलब है इस पढ़ाई के प्लेटफॉर्म पे, और आके पढ़ लीजिए, एंटरटेनमेंट कर लीजिए, एंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाई भी हो जाएगी। समझाने का पर्पस ये है कि ये तो मजाक में हम बोले कि जब भी आपका मन नहीं लगे तो कोई लाइट हार्टेड शो देख लीजिए, जैसे कपिल का शो देख लीजिए, और एक शो की मैं नाम ले रहा हूँ हालांकि कंट्री से कोई मतलब नहीं है, अच्छे आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट कहीं के भी हो सकते हैं। पाकिस्तानी एक शो है जिसका नाम है लूज डॉग्स। उसमें दो बंदे एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक का नाम है अनवर मकसूद और एक का नाम है, थोड़ा सा नाम हम देख लेंगे, नाम थोड़ा सा हम बोल रहे हैं, एक का नाम है मोइन अख्तर, बहुत ही बेहतरीन एक्टर हैं दोनों, मोइन अख्तर और अनवर मकसूद। उसमें क्या होता है कि दोनों के बीच सवाल आप देखिएगा जरूर, जब भी मन नहीं लगे उदासी छाए तो एक बार देख लीजिएगा, जरूर मूड फ्रेश हो जाएगा। या कपिल का कॉमेडी शो या फिर तरह तरह के शो बनाएंगे जो लाइट हार्टेड है, जो आपकी उदासी को दूर कर सकते हैं।
तो लूज टॉक का एक दृश्य है जिसमें मोइन अख्तर और मकसूद अनवर एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। मकसूद अनवर के कई बार पूछने के बाद भी जवाब नहीं देते मोइन अख्तर, तो मकसूद अनवर तुम तुम करके बोलने लगते हैं। तो वहाँ पे एक डायलॉग बन जाता है, बोलते हैं कि तुमसे कई बार मैं पूछ रहा हूँ कि बताओ तुम क्या करते हो। तो मोइन अख्तर क्या बोलते हैं, हु इज तुम। अनवर मकसूद बोलता है यू इज तुम, ओ आई एम तुम। ये जो डायलॉग है ना, इसमें तुम कई बार रिपीट हुआ है, देखिएगा बड़ा मजा आएगा आपको, बहुत मजा आने वाला है। तो तुम को रिपीट किया गया, हु इज तुम, यू इज तुम, ओ आई इज तुम, ठीक है। तो तुम रिपीट हुआ, तो ये एग्जाम्पल अपने आप में रिपीटेशन का एग्जाम्पल हुआ। अब एग्जाम्पल के माध्यम से चीजों को देखा जाए, समझा जाए, और चलिए देखें। पहला एग्जाम्पल है अ लिटिल ग्रेव, अ लिटिल लिटिल ग्रेव। इस सेंटेंस में यदि लिटिल की बात की जाए तो लिटिल एक से ज्यादा बार रिपीट हुआ है। तो जब भी किसी सेंटेंस में, किसी पैसेज में, किसी पंक्ति में एक से ज्यादा बार किसी वर्ड को रिपीट किया गया, और सेम वर्ड को, तो वो अपने आप में रिपीटेशन हो गया। यानी ये एग्जांपल अपने आप में रिपीटेशन का एग्जांपल हुआ। नेक्स्ट है सेकंड नंबर पे, आई फेल्ट हैप्पी बिकॉज आई सॉ द अदर्स वर हैप्पी। आई न्यू आई शुड फील हैप्पी बट आई वाजंट रियली हैप्पी। यदि बात की जाए हैप्पी की, तो यहाँ पे देखिए, एक बार हैप्पी इधर आया, फिर सेकेंड टाइम यहाँ पे हैप्पी आया, थर्ड टाइम यहाँ पे आ गया, और फोर्थ टाइम यहाँ पे आ गया। यानी कि चार चार बार हैप्पी को इस सेंटेंस में रिपीट किया गया है। तो ये एग्जाम्पल अपने आप में रिपीटेशन का, भी इसका मतलब समझिए। आई फेल्ट हैप्पी, मुझे खुशी मिली, खुशी की अनुभूति हुई मुझे, बिकॉज आई सॉ द अदर्स वर हैप्पी, क्योंकि मैंने सामने वालों को देखा, वो तो खुश थे। एंड आई न्यू आई शुड फील हैप्पी, और उनको देखने के बाद मुझे लगा कि मुझे भी हैप्पी होना चाहिए, बट आई वॉजेंट रियली हैप्पी, लेकिन सच कहूँ तो मैं हैप्पी नहीं था। तो हैप्पी हैप्पी को रिपीट किया गया, तो ये एग्जाम्पल अपने आप में रिपीटेशन का है। फिर थर्ड नंबर एग्जाम्पल, एडमाइज टू गो बिफोर आई स्लीप, एडमाइज टू गो बिफोर आई स्लीप। यहाँ एग्जाम्पल को देखें तो एंड को दो बार रिपीट किया गया है, कहाँ गया, यहाँ पर एंड को दो बार रिपीट किया गया है। फिर उसके बाद देखें तो माइल्स को भी रिपीट किया गया है, यहाँ पे देखिए आप। यदि टू को देखें तो टू को भी रिपीट किया गया है, गो को देखें तो गो को भी रिपीट किया भाई, बिफोर को देखें तो बिफोर को भी रिपीट किया है, आई को भी रिपीट किया गया है, और स्लीप को भी रिपीट किया गया है। कहने का मतलब ये हुआ कि पूरे एग्जाम्पल में प्रत्येक शब्द को रिपीट किया गया है। तो ये एग्जाम्पल अपने आप में रिपीटेशन का हो गया। फोर्थ नंबर सेंटेंस, हैट्रेड वॉज स्प्रेडिंग एवरीवेयर। इस एवरीवेयर पर ध्यान दीजिएगा, ब्लड वॉज बींग स्पिल्ड एवरीवेयर, फिर एवरीवेयर सेकेंड टाइम आया, वार्स वर ब्रेकिंग आउट एवरीवेयर, फिर एवरीवेयर रिपीट हुआ। यानी कि एक सेंटेंस हुआ जिसमें एवरीवेयर को कई बार रिपीट किया गया, मोर देन वन टाइम। तो ये अपने आप में रिपीटेशन का एग्जाम्पल हुआ। इसका मतलब समझिएगा, हेटेड वॉज स्प्रेडिंग एवरीवेयर, सभी जगहों पर नफरत का प्रसार हो रहा था, नफरत को बढ़ावा दिया जा रहा था, नफरतें फैल रही थी। ब्लड वॉज बींग स्पिल्ड एवरीवेयर, सभी जगह ब्लड के छींटे पड़े थे, ठीक है। वार्स वर ब्रेकिंग आउट एवरीवेयर, चारों तरफ युद्ध हो रहे थे, ठीक है, चारों तरफ युद्ध हो रहे थे। तो रिपीट हुआ है एवरीवेयर एवरीवेयर एवरीवेयर। तो ये अपने आप में एग्जाम्पल हुआ रिपीटेशन का। फिफ्थ नंबर एग्जाम्पल आपके लिए और लास्ट, कि लाइफ इज नॉट लॉस्ट बाई डाइंग, जीवन मरने से खत्म नहीं होता, लाइफ इज लॉस्ट लॉस्ट मिनट बाई मिनट, ये जीवन मिनट दर मिनट खत्म होता है। देखिए लाइफ को और लाइफ को एक पंक्ति में रिपीट किया गया, तो ये एग्जाम्पल अपने आप में रिपीटेशन का एग्जाम्पल होगा। उम्मीद है आप सारे बच्चे रिपीटेशन को समझ गए। पढ़ते रहना है, पढ़ाई का मजा लेते रहना है। नेक्स्ट सेशन में हम फिगर ऑफ स्पीच के नए पॉइंट को देखेंगे, समझेंगे। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, थैंक यू सो मच।